अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कमाल हुसैन है एंड आई एम द को-फाउंडर ऑफ एमजोनर कंसल्टिंग, जहां पर हम लोग डिफरेंट ई-कॉमर्स सेलर्स इंटरनेशनल मार्केट में जो होते हैं उनको हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आई एम आल्सो द को-फाउंडर ऑफ हक एंटरप्राइजेस, जहां पर हम लोग इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो यूज करते हैं, यूज करके हम लोग जो है वो लोकल ई-कॉमर्स में अपने ब्रांड एस्टैब्लिश करते हैं। थर्डली आई एम आल्सो द को-फाउंडर ऑफ पार्कपेस, जहां पर आप जैसे जो स्ट्रगलिंग बिजनेस ओनर्स होते हैं जो कि अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं उनकी मैं हेल्प करता हूँ बाय प्रोवाइडिंग दैम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑन हाउ टू ग्रो देयर बिजनेस एंड बेसिकली business coaching them. So that's about me. इस वीडियो में मैं आपको 7 मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगा जो कि entrepreneurs जो है वो कर रहे होते हैं। तो अपने पेन पेपर ले लें और इस वीडियो को बिल्कुल गौर से सुनिएगा, नोट्स बना लें एंड मेक श्योर नॉट टू मेक दोज मिस्टेक्स एज अ entrepreneur. अच्छा, मिस्टेक नंबर 1 ये है कि एंटरप्रेन्योर्स परफेक्शनिस्ट बनना चाहते हैं। वो ये समझते हैं कि किसी भी डिपार्टमेंट में अगर वो काम कर रहे हैं अपने बिजनेस में तो उनसे अच्छा काम कोई नहीं कर सकता। तो क्या होता है, वो एक वक्त में क्या करते हैं, वो ऑपरेशंस भी कर रहे होते हैं, वो फिर क्या करते हैं कि अगर सेल्स कम हो जाती है तो फिर सेल्स में चले जाते हैं, फिर जब सेल्स ठीक हो जाती हैं फिर वो अगेन जो है वो ऑपरेशन में चले जाते हैं क्योंकि ऑपरेशंस ठीक नहीं हो रहे थे, फिर ऑपरेशंस जब ठीक हो जाते हैं फिर सेल्स कम हो जाती हैं तो वापस सेल्स में चले जाते हैं। तो इस तरीके से एक बिजनेस ओनर की अगर ये सोच होगी कि मैं परफेक्शनिस्ट हूँ, मैं हर काम अच्छा कर सकता हूँ, तो वो चाहेगा कि हर काम मैं खुद अपने हाथों से करूँ। इस तरीके से वो टीम को बिल्ड नहीं कर पाएगा। इससे क्या होगा कि बिजनेस हमेशा स्ट्रगल फेज में रहेगा कि वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, दूसरे डिपार्टमेंट से तीसरे डिपार्टमेंट, R&D भी कंसिस्टेंसी से नहीं हो पाएगी, मार्केटिंग भी नहीं हो पाएगी, सेल्स भी कंसिस्टेंटली नहीं हो पाएगी, ऑपरेशंस के सिस्टम नहीं बन पाएंगे, HR कंसिस्टेंटली उसके सिस्टम्स नहीं बन पाएंगे, ओवरऑल मैनेजमेंट कंसिस्टेंटली नहीं हो पाएगी। अगर बिजनेस ओनर की ये सोच होगी कि आई एम द परफेक्शनिस्ट, आई कैन डू द बेस्ट वर्क एंड मेरी टीम जो है वो नहीं कर सकती, इस वजह से मैं टीम हायरिंग पे भी टाइम नहीं दूंगा, मैं उस पर भी ध्यान नहीं दूंगा, मैं टीम को टीच करने में भी ध्यान नहीं दूंगा, तो ये सोच जो ओवरऑल जो होती है ये सिर्फ परफेक्शनिस्ट सोच के लिहाज से होती है और ये एक डेडली रूल है जहाँ पर एंटरप्रेन्योर को बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा ये एडवाइस करता हूँ कि अपनी जो टीम है उसको बिल्ड करें, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें और टीम को जो है वो आप इस कैपेबल बनाएं कि आप जो परफेक्शनिस्ट सोच जो आपकी है वो ट्रांसफ़र हो आगे और ये लोग जो है वो परफेक्शनिस्ट अपने अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम करते रहें। सो दैट्स मिस्टेक नंबर 1। अच्छा, मिस्टेक नंबर 2, नॉट पुटिंग इनफ टाइम मनी एंड एफर्ट इनटू हायरिंग द राइट टीम। क्या मतलब इस मेरी इस बात का, मनी से स्टार्ट करते हैं। अक्सर एंटरप्रेन्योर्स ये समझते हैं जो है हम बहुत अच्छा टैलेंट हमें चाहिए बट हमारा बजट बहुत कम है, हमें चीप चाहिए। तो बिलीव मी गाइज के चीप और टैलेंटेड डजंट कम टुगेदर, दे आर एक्चुअली द अपोजिट ऑफ ईच अदर। सो हायर द राइट पीपल, राइट एंड कॉम्पिटेंट पीपल फॉर योर टीम। मैं जब भी हायरिंग करता हूँ तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैं ये 3 चीज़ें ज़रूर नोट कर रहा होता हूँ, द स्किल ऑफ दैट गाय, ऑफ दैट पर्सन, द नॉलेज एंड द एटीट्यूड। एटीट्यूड के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, द ट्रेट्स, सेल्फ इमेज और मोटिव, ठीक है, एथिकल वैल्यूज वगैरह भी सब एटीट्यूड के अंदर आती हैं। अच्छा, मेरी नज़र में मैं ये समझता हूँ कि एटीट्यूड जो है वो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और एटीट्यूड आपको सिखाना इट्स वेरी डिफिकल्ट। नॉलेज आप दे सकते हो, आप स्किल सिखा सकते हो बट आप एटीट्यूड जो है वो नहीं सिखा सकते। तो एटीट्यूड मेरी टॉप लिस्ट में होता है, देन कम स्किल्स एंड देन कम नॉलेज, ठीक है। तो इन तीनों को देखते हुए मैं हायरिंग कर रहा होता हूँ और उसके लिए जो भी बजटिंग होती है मैं वेल प्री डिफाइंड करता हूँ एंड देन फिर मैं हायरिंग की तरफ जा रहा होता हूँ। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट पुट मनी इनटू हायरिंग द राइट पीपल। और बाकी जो 2 फैक्टर्स हैं, टाइम एंड मनी, वेन एवर जब हायरिंग हो जाती है आपके पास, जब फर्स्ट डे है उस एम्प्लॉय का, तब एक्चुअली आपका काम एज एंटरप्रेन्योर स्टार्ट होता है। देन यू हैव टू पुट टाइम एंड एफर्ट इनटू एक्सप्लेनिंग हिम के आपकी जो है वो कंपनी के स्ट्रक्चर क्या है, सिस्टम्स क्या है, कैसे वर्क फ्लोज काम करते हैं, उसको अगर कोई ट्रेनिंग मजीद देनी है वो आप दोगे, उसको कोई स्किल सिखाना है, इस तरीके से आप अपनी टीम जो है वो बिल्ड करते हो। अच्छा, टॉप पे होते हो आप एज एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेस ओनर, और आपके बाद होते हैं सेकंड लाइन ऑफ लीडर। एक्चुअल जो बिजनेस बिल्ड हो रहा होता है वो ये जो सेकंड लाइन ऑफ लीडर्स होते हैं ये बिल्ड कर रहे होते हैं और इनके पास जो सोच आती है वो आपके थ्रू आती है, ठीक है। आप एक्चुअली में बिल्ड नहीं कर रहे होते, आप अपना जो माइंडसेट है वो सेकंड लाइन ऑफ लीडर को दे रहे होते हो एंड दीज सेकंड लाइन ऑफ लीडर्स ये एक्चुअली में जो है वो आपका जो ब्रांड है, आपकी जो कंपनी है, आपका जो बिजनेस है, इसको ग्रो कर रहे होते हैं विद अलॉन्ग विद द लोअर हायरार्की ऑफ द कंपनी। सो put right effort, right time, right money, right investment into hiring the right people. अगर आपने एक गलत डिसीजन लिया, अगर आपने हायरिंग को फास्ट करने के लिए, अगर आपने क्विकली हायरिंग करने के लिए अगर आपने गलत हायरिंग कर ली तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज महीनों तक चल रहे होते हैं। लेट्स से अगर आपने एक अनएथिकल बंदा हायर कर लिया तो वो आपके पूरे ऑफिस के माहौल को ख़राब करेगा, उसका कल्चर ख़राब करेगा। तो दिस इज द पॉइंट दैट यू हैव टू पुट टाइम हायरिंग में एंड देन हायरिंग के बाद उसकी ट्रेनिंग में। सो प्लीज़ अवॉइड दिस मिस्टेक।
अच्छा, थर्ड मिस्टेक जो एंटरप्रेन्योर्स कर रहे होते हैं, दे आर बेसिकली नॉट मार्केटिंग एंड सेलिंग प्रोएक्टिवली एंड कंसिस्टेंटली। क्या मतलब मेरी इस बात का? वो देखते हैं कि हाँ, हमारे पास अभी क्लाइंट ज्यादा हैं, तो अब मार्केटिंग छोड़ देते हैं, हम सेल्स को छोड़ देते हैं, हम कंसिस्टेंटली नहीं करते। तो बिलीव मी, क्या होगा, आप जब प्रोडक्शन में ध्यान दोगे तो आपकी सेल्स हो जाएंगी स्लोली, देन फिर आपको वापस मार्केटिंग में जाना पड़ेगा। इस तरीके से आप टू एंड फ्रो घूमते रहेंगे। अगर आप अपनी मार्केटिंग को और सेलिंग को अगर कंसिस्टेंट करेंगे, अगर प्रोएक्टिव करेंगे, तो आपको बार बार जो है वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट स्विच नहीं होना पड़ेगा। सेकेंडली, मार्केटिंग जो होती है उसकी स्ट्रेटजी के ऊपर आपके पास कंट्रोल होना चाहिए। अगर आपके पास आपकी मार्केटिंग की रिसोर्सेज के ऊपर अगर आपके पास कंट्रोल नहीं है, तो आपको अपनी सेल्स के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा। अगर आपको अपनी सेल्स के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो आपको अपने बिजनेस के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा। और बिलीव मी, अगर आपको अपने बिजनेस के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो आपको अपनी लाइफ पे भी कंट्रोल नहीं होगा। तो स्टार्ट मार्केटिंग एंड सेलिंग प्रोएक्टिवली, नॉट रिएक्टिवली। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वन मोर पॉइंट इसमें मैं ये आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वर्ड ऑफ माउथ, काफी लोग समझते हैं कि ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। तो अभी जिस तरीके से मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि कोई भी वो स्ट्रेटजी जिसमें आपके पास कंट्रोल नहीं हो, तो वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं कहलाएगी। वर्ड ऑफ माउथ पे आप नहीं बता सकते कि एक वीक में मेरे पास कितने रेफरल्स आएंगे, एक मंथ में कितने आएंगे, नेक्स्ट वीक कितने आएंगे, नेक्स्ट मंथ कितने आएंगे, आपके पास कंट्रोल नहीं है। बट अगर आप लेट से एक फेसबुक एड्स चला रहे हो, या आप ईमेल मार्केटिंग चला रहे हो, उससे आपको ओपन रेट पता है, ईमेल मार्केटिंग का मेरा इतना ओपन रेट है, इतना क्लिक रेट है, इतने लोग आते हैं, और मंथ में मुझे पता है जितना मेरे पास जो है वो ईमेल का डेटा है, इससे मैं ईमेल मार्केटिंग से अपने 10 क्लाइंट्स ईच मंथ में निकाल सकता हूं। तो नंबर्स के लिहाज से अगर कंट्रोल है आपको अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज पे, देन यू कैन कॉल दैट स्ट्रेटजी अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी। वर्ड ऑफ माउथ इज नॉट अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी। सो स्टार्ट सेलिंग एंड मार्केटिंग योर ब्रांड, योर कंपनी, योर बिजनेस प्रोएक्टिवली एंड कंसिस्टेंटली। अच्छा, फोर्थ मिस्टेक जो एंटरप्रेन्योर्स कर रहे होते हैं, वो अपनी कंपनी में, अपने बिजनेस में सिस्टम्स क्रिएट नहीं करते, SOPs और KPIs क्रिएट नहीं करते। क्या मतलब मेरी इस बात का? बेसिकली जितने भी एंटरप्रेन्योर्स से मैं जब ये बात करता हूँ, तो वो लोग कहते हैं कि सिस्टम जो है वो काम को डिले करते हैं, सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट कभी नहीं हो पाते, सिस्टम बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो बिलीव मी, मैं ये कहूँगा कि सही तरीके से सिस्टम बनाना और सही तरीके से इसकी इम्प्लीमेंटेशन आपने नहीं की, इस वजह से आप ये बातें कर रहे हो कि सिस्टम डिले करता है चीज़ों को। सिस्टम डिले नहीं करता, सिस्टम चीज़ों को ईजी करता है और फास्ट करता है, और ओवरऑल जो है वो पूरी कंपनी में एक कल्चर क्रिएट करता है कि हाँ भाई, दिस इज़ द मेथड दैट यू नो कि इस तरीके से हमें फॉलो करनी चाहिए सारी चीजें। अच्छा, सिस्टम जो है ना, अगर लोग कहते हैं कि सिस्टम इंप्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल है, तो उसका तरीका यह है कि इंप्लीमेंटेशन आपके आपसे शुरू होगी। अगर आपके टीम मेंबर्स देखेंगे कि आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, जो कि आपके लिहाज से करना मुश्किल होता है, क्योंकि आप एज अ बिजनेस ओनर एक अना में होते हो कि मेरा जो है वो काम क्यों डिले हो, मैं फौरन क्यों किसी को नहीं बोल दूं कि भाई ये काम कर दो, ये काम कर दो, मैं क्यों सिस्टम फॉलो करूं। कि तो जब तक आप सिस्टम फॉलो नहीं करोगे, आप जो है वो उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं करवा पाओगे। तो योर टीम मेंबर्स ऑलवेज लुक अप टू यू कि आप कितना फॉलो कर रहे हो, तो इसको मेक श्योर करना बहुत जरूरी है। अनदर थिंग कि आप सिस्टम फॉलो जो है ना वो कंटिन्यूसली होता रहे, उसका तरीका ये होता है कि आप प्रॉपर रिव्यूज लेते रहो और फीडबैक्स लेते रहो वीकली मीटिंग्स में या मंथली मीटिंग्स, जो भी आपकी फ्रिक्वेंसी है उसमें, एंड देन फिर आप मेक श्योर करो कि वो सिस्टम फॉलो हो रहा हो। स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल आती है, सिस्टम फॉलो नहीं होते, आप बार बार रिमाइंड कराते हो अपने टीम मेंबर्स को, देखो मैं भी ऐसा कर रहा हूं, आपको भी ऐसा करना है। तो वंस द सिस्टम इज इंप्लीमेंटेड इन द कंपनी, देन फिर उसको इट्स वेरी इजी, टास्क डेलीगेशन बहुत इजी हो जाती हैं, हमें हर चीज पता चल जाती है कि ये टास्क इतनी देर में हो जाएगा, ये इतनी देर में हो जाएगा, ये बेहतर कर सकता है, बेहतर ये वो बेहतर कर सकता है। तो सिस्टम इंप्लीमेंटेशन इज यू नो वेरी इंपॉर्टेंट एज ए एंटरप्रेन्योर। वन मोर थिंग इसमें ये कहूँगा मैं आपको, जब सिस्टम इंप्लीमेंट आप करते हो, तब आपकी अपनी डिपेंडेंसी जो होती है वो बहुत कम हो जाती है कंपनी से, एंड देन आप फिर ऊपर स्टेज पे जाते हो, और ऊपर स्टेज पे फिर आप कंपनी की ग्रोथ की जो चीज़ें होती हैं उसके ऊपर फोकस करके काम कर सकते हो। लेकिन अगर आप सिस्टम बिल्ड नहीं करोगे, तो देन आपको वापस नीचे आना पड़ेगा और फिर सिस्टम्स में आपको जो है वो उसको ठीक करना पड़ेगा। मिस्टेक नंबर 5, नॉट सेलिब्रेटिंग प्रोग्रेस। इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू है कि आप अपनी कंपनी में जो है वो जो आपकी जो प्रोग्रेस है, जो सक्सेस है, उनको आप सेलिब्रेट करो। फॉर एग्जांपल, अगर कोई टीम मेंबर है आपका, वो कोई 2 लाख रुपए की कोई डील क्लोज करता है, तो आपको उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। यू नो कि अगर आप उसकी जगह पे होते, तो आप 5 लाख की कर लेते, या आप यूजली 20 लाख की डील्स लॉक करते हैं, बट उसके लिए वो बड़ी चीज़ है। तो स्टार्ट सेलिब्रेटिंग, उससे ओवरऑल जो है वो कल्चरल मोटिवेशन जो है वो इंक्रीज होती है। द सेकेंड पार्ट ऑफ यू नो सेलिब्रेटिंग प्रोग्रेस इज विद इन योर सेल्फ। आपको खुद जो है वो अचीवमेंट फील होनी चाहिए। काफ़ी सालों से मैंने ये गलती की, मेरी एक ये सोच थी कि 35 एज से पहले मुझे जो है वो टाइम से आज़ाद होना है, मुझे मनी से आज़ाद होना है, मुझे पैसों, मुझे स्पेस से आज़ाद होना है। तो मेरे काफ़ी सक्सेसफुल हैप्पी लोगों से जब मीटिंग हुई, तो उन्होंने कहा कि दिस इज़ ये गोल जो है ना, ये बड़ा अजीब सा है, ये गोल अगर आप रखोगे तो आप क्या करोगे,
आप 35 साल की उम्र में अगर ये गोल्स अचीव कर लोगे उसके बाद आप हैप्पी होना शुरू करोगे। तो स्टार्ट बीइंग हैप्पी बिफोर दैट। आप जो भी अपने बिजनेस में कर रहे हो, जितने भी आपको हिकअप्स आ रहे हैं, आपको लोग छोड़ के जा रहे हैं, आप हायर कर रहे हो, आप अचीवमेंट्स कर रहे हो, आप क्लाइंट्स लूज कर रहे हो, जितने भी अप्स एंड डाउन हैं, आपको उस सबको सेलिब्रेट करना चाहिए और उसमें खुश होना चाहिए। और जो भी चीज़ आप लेट से 35 एज के बाद अगर करना चाहते हो आपके गोल के मुताबिक, वो अभी से ही स्लोली स्लोली उसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो, ना कि 35 एज का आप स्टार्ट करो। अच्छा, मिस्टेक नंबर 6 ये है कि एंटरप्रेन्योर्स ये समझते हैं कि उनको अपने आप को पे नहीं करना चाहिए फ्रॉम कंपनी एक्सपेंसेस। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। और एंटरप्रेन्योर्स की ये सोच होती है कि अगर कंपनी पैसा बनाएगी तो मैं पैसा निकालूंगा, अदरवाइज मैं नहीं निकालूंगा। तो बिलीव मी, आप जो है वो सैलरीज निकालते हैं अपने बिजनेस से और आप अपनी बिजनेस से प्रॉफिट्स निकालते हैं। आप अपने बिजनेस से सैलरी निकालते हैं फॉर योर टाइम एंड एफर्ट, ठीक है, और आप अपने बिजनेस से प्रॉफिट्स निकालते हैं फॉर योर स्किल्स, फॉर योर नॉलेज, फॉर द डिसीजंस दैट यू मेक एज अ बिजनेस ओनर, ठीक है। तो अपनी जो आपकी सैलरी है उसको आप एज अ एक्सपेंस काउंट करें। फॉर एग्जांपल, किसी एक बिजनेस वेंचर का जो है एक्सपेंस है वो 10 लाख रुपए है, ठीक है ना, मेरी सैलरी को हटाकर। तो मैं क्या करूंगा, मेरी सोच ये होगी कि यार हर महीने मैं कुछ ऐसा करूं कि बस 10 लाख रुपए बनते रहें, तो मैं 10 लाख रुपए के लिए मेहनत करूंगा। लेकिन अगर मैं ये बोलता हूं कि लेट्स से 10 लाख रुपए जो है वो मेरा एक्सपेंस है प्लस 1 लाख रुपए मेरी सैलरी, तो अब टोटल बन गया 11 लाख। अब मुझे 11 लाख रुपए के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और वो मैं अचीव भी कर लूंगा। तो एंटरप्रेन्योर्स ये समझते हैं कि उनको अपनी सैलरी नहीं निकालनी चाहिए और वो बिजनेस जब कमाएगा तब वो करेगा। तो ये इसी तरीके से चलता रहेगा और आप कभी भी जो है बिजनेस से पैसे नहीं निकाल पाओगे। सेकेंड ये चीज़ होती है कि एक बेयर मिनिमम एक किचन इनकम के लिए आपको कोई ना कोई पैसे चाहिए होते हैं। अगर किचन इनकम आपका हिट होगा तो आपकी सोचने की कैपेबिलिटी जो है वो स्लो हो जाएगी। आप कोई भी नया डिसीजन, कोई भी मुश्किल डिसीजन, कोई भी रिस्की डिसीजन लेने से पहले आपके जहन में जो ना ये बात चाहिए कि इस डिसीजन लेने से मेरा किचन इनकम का क्या होगा। तो ये चीज़ जो है बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए एंटरप्रेन्योर के माइंड के अंदर। इसलिए एक बेयर मिनिमम जो एक वो बनती है, एक सैलरी बनती है, वो ज़रूर निकालनी चाहिए बिजनेस ओनर को अपने अपने बिजनेस के अपने बिजनेस से एज ए एक्सपेंस। अच्छा, अब हम आते हैं अपनी लास्ट मिस्टेक पे, जो कि इट्सेल्फ इसकी एक बहुत जो है वो वैल्यू है और वो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर जो हैं वो इस वैल्यू को नहीं समझते। चाहे आप स्ट्रगल फेज़ में हो, चाहे आप सस्टेनेबल फेज़ में हो, चाहे आप सक्सेस फेज़ में हो, किसी भी फेज़ में हो, आपको ये मिस्टेक से अवॉइड करना है। वो मिस्टेक क्या है, इन्वेस्ट इन योर लर्निंग, ठीक है। आपने ये देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, आप नोकिया की एग्जांपल ले लें, कितना जायंट था, बट उसने अपनी लर्निंग में इन्वेस्ट करना रोक दिया। उसने मार्केट को जो है वो की डायरेक्शन को देखना कि फ्यूचर मार्केट किस तरफ जा रही है, उसको उसने एक्सेप्ट नहीं किया, अपनी लर्निंग को उसने एक्सेप्ट नहीं किया और आज उसका क्या हाल है हम सबको पता है। तो चाहे आप किसी भी फेज़ में हो, चाहे स्ट्रगलिंग फेज़ में हो, लर्निंग पे ध्यान आपको देना लाजमी है। अच्छा, एक और पॉइंट इसमें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लोग ये समझते हैं कि बिजनेस के ना कुछ स्टेप्स नहीं होते, बट बिलीव मी, अगर आप स्ट्रगल फेज़ में हो तो पर्टिकुलर स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं। अगर आप सस्टेनेबल फेज़ में हो तो पर्टिकुलर स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं स्केल फेज़ में जाने में। अगर आप जो है वो सक्सेस फेज़ में हो, देन अगेन स्केल फेज़ में जाने के फिर अलग स्टेप्स हैं। तो हर बिजनेस फेस के, हर बिजनेस स्टेज के प्रॉपर स्टेप्स हैं टू जंप, यू नो, इन ऑर्डर टू स्केल। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं, आप बिजनेस में कल्चर कैसे बनाया जाए, ये आपको क्या पैदा होते ही पता होगा या आपको ये लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। टास्क डेलीगेशन कैसे करते हैं ये सीखना पड़ेगा आपको। सेल्स एंड मार्केटिंग कैसे करते हैं ये सीखना पड़ेगा आपको। आप एंटरप्रेन्योर हो लेकिन आपको सब चीज़ें नहीं आती, अक्सर चीज़ें आपको सीखनी पड़ती हैं। आप मार्केटिंग में बहुत अच्छे होगे लेकिन आप प्रोडक्शन में अच्छे नहीं होगे। आप क्लाइंट फेसिंग पे अच्छे होगे तो आप मार्केटिंग में अच्छे नहीं होगे। तो जो भी चीज़ें मिस करती हैं आपको वो लर्न करनी है। तो लर्निंग पे फोकस करना एज अ बिजनेस ओनर वो हमेशा रहेगा, और जहां पर आपने लर्निंग को स्टॉप किया वहां पर आपके बिजनेस का और आपका डूम आ जाएगा। तो इन्वेस्ट इन योर लर्निंग, हायर मेंटर्स, टेक कोर्सेज, हायर बिजनेस कोचेज, तक जो आपका स्टेप्स लेके एक एक करके आपको बताएं कि इस स्टेज में ये स्टेप्स लो, देन फिर ये स्टेप्स लो, देन फिर ये स्टेप लो, इन ऑर्डर टू ग्रो। यहाँ तक जो है वो हमारे 7 मिस्टेक्स कंप्लीट होती हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा लर्निंग हुई होगी, और इसी तरीके से जो है वो और वीडियोज़ देखने के लिए जितने भी मेरे सोशल मीडिया चैनल्स हैं, खास करके यूट्यूब, इसके ऊपर आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैं अपनी जो है वीडियोज़ डाल रहा होता हूँ, जो कि ऑल द स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस ओनर्स जो हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। So thank you so much for bearing with me.